डॉक्टर संजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन आज हमारा जो कंटेंट है वो बीएड स्पेशल एजुकेशन से है और बीएड एससी 72 और जो पेपर है पेपर का नाम है करिकुलम डिजाइन एडॉप्टेशन एंड एवेल्युएशन तो उसका एक पार्ट है हमारा लिटरेसी स्किल लिटरेसी स्किल यानी uh, साक्षरता क्षमता जो है वो हम कैसे डेवलप करते हैं तो मोस्टली अगर हम बात करें साक्षरता क्षमता की लिटरेसी स्किल की तो ये इसमें जो चीजें आती हैं मेन पार्ट है वो लिटरेसी का वो है लिसनिंग और हियरिंग रीडिंग एंड राइटिंग ये चार पार्ट है यही होता है अगर हम ओनली मेनली अगर हम बात करते हैं लिटरेसी स्किल में तो आपको यही मिलेगा रीडिंग एंड राइटिंग लेकिन ये पार्ट हमारा इससे रिलेटेड है हम बात इसलिए करना चाह रहे हैं इस पर क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो सेंटर्ड है चिल्ड्रेन विथ हियरिंग इम्पैक्ट अगर हम बात लिटरेसी स्किल की कर रहे हैं और हमारा पार्ट होगा ये हियरिंग इम्पैक्ट एच स्टूडेंट के लिए एच आई स्टूडेंट के लिए अगर हम बात करते हैं तो हम डायरेक्टली यहां पे नहीं आ सकते रीडिंग और राइटिंग ये जो स्किल है ये मेन हमारे जो स्किल है वो होंगे लिसनिंग एंड इसमें जो एक पार्ट है लिसनिंग में स्पोकन रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग और एंड स्पीकिंग ये हो गया हियरिंग और स्पीकिंग स्पीकिंग हेयरिंग और लिस्निंग ये जो पार्ट है इसी के थ्रू आता है हमारा जब तक हम सुनेंगे नहीं हम बोल नहीं सकते ये ऐसा जो कंडीशन होता है सुनना हमारे सबसे ज़्यादा है और ये एक हेयरिंग एम्पेयर बच्चे के लिए कि अगर हम बात करते हैं चिल्ड्रन विथ हेरिंग इम्पेयरमेंट की तो यहीं पे उसकी एक मेन जो उभर के आती है कमी वो होती है हियरिंग की अगर हेयरिंग नहीं है अच्छा ये टर्म अभी हम बात करेंगे अभी कि हेयरिंग और लिस्निंग सेम जैसे है ये स्पीकिंग तो अलग है लेकिन ये तो अलग आ रही है तो ये अलग क्यों है इसके कंडीशन में बताएंगे लेकिन फर्स्ट मैं बताना चाहूंगा हियरिंग क्योंकि अगर एक श्रवण बाधित बच्चे की हेयरिंग अगर लॉस हो जाती है तो ये इसकी प्राइमरी डिसेबिलिटी कही जाती है यानी उस पर क्या हो रहा है प्राइमरी डिसेबिलिटी उसकी हेयरिंग uh, लॉस हुई तो स्पीकिंग और लिसनिंग दो चीजें लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये इसकी प्राइमरी डिसेबिलिटी हुई लेकिन ये प्राइमरी डिसेबिलिटी इसकी मेनली सेकेंडरी डिसेबिलिटी जो लाती है वो लाती है स्पीच 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 एंड लैंग्वेज का वाणी लैंग्वेज और वाणी और लैंग्वेज अगर ये आ गई तो ये आमंत्रित कर देती है इसकी रीडिंग एंड राइटिंग की यानी कंडीशन कैसे हो रहा है हम अगर एक स्वर्ण बाधित बच्चे की बात कर रहे हैं तो हियरिंग लॉस थी हियरिंग से उसका क्या प्रभावित हो रहा है स्पीच एंड लैंग्वेज प्राइमरी हमारी हियरिंग थी स्पीच एंड लैंग्वेज सेकेंडरी डिसेबिलिटी आई सेकेंडरी डिसेबिलिटी टर्सरी डिसेबिलिटी का न्योदय देता है जो मेनली पिलर है लिटरेसी स्किल के दो पिलर माने जाते हैं रीडिंग एंड राइटिंग तो कहने का हमारा तात्पर्य है कि अगर हम श्रवण बाधित बच्चे की साक्षरता क्षमता की बात करते हैं लिटरेसी की बात करते हैं तो उसमें हियरिंग और लिसनिंग का डेवलप होना बहुत जरूरी है अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं कि हियरिंग और की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है आपको कंडीशन दिखता होगा हियरिंग क्या है सेम जैसे है एक दूसरे के प्रयोग भी इंटरचेंजली किया जाता है लिसनिंग लेकिन इसमें एक अंतर है जो मैं आपको बताऊंगा हियरिंग क्या है ये प्रोसेस यानी चल रहा है अनवर चलने वाली ये हमारी कैसी कंडीशन है ये नेचुरल है नेचुरल हो रही है लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं लिसनिंग लिसनिंग की लिस्निंग हमारी नेचुरल नहीं है ये एक सीखा हुआ व्यवहार है जो हम सीखते हैं अगर हम बात करें जैसे हम ध्वनिया वातावरण में जो भी ध्वनिया है हम सुनते रहते हैं चाहे वो किसी चिड़िया की चहचाह हो शोरगुल हो रहा है बाहर से गाड़ियों की आवाज आ रही है यहां पे क्या कर रहा है यानी हम जो भी सुनाई दे रहा है होगी ये क्या होगी ये हो गई हियरिंग लेकिन लिसनिंग क्या है जब हम कॉन्सेप्ट जहाँ से हमारी मेंटल प्रोसेस स्टार्ट होती है वो होती है लिसनिंग की जब हम सुनना चाहते हैं भीड़ से अगर कोई आप जा रहे हो कोई सड़क से पीछे से आवाज़ दिया संजय है? तो जैसे ही पलट के देखते हैं तो जब हमें कान से जब हमारा मेंटल प्रोसेस हुआ तब हमें सुनाई दिया वो लिसनिंग कंडीशन होगी हियरिंग होगी हमारी जो वातावरण की तमाम ध्वनियाँ हैं जैसे अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ आप अगर यहाँ से सुन पा रहे हैं सुनने के साथ साथ बहुत वातावरण की आपको क्लास में बैठे हुए वातावरण में बहुत सारी ध्वनियाँ आपको सुनाई देती होंगी वो ध्वनि आपकी हेयरिंग कंडीशन में लिसनिंग क्या होगी जो मैं बोल रहा हूँ तो कहना यह है कि हियरिंग हमारा नेचुरल प्रोसेस है लेकिन लिसनिंग हमारा ये एक आ, मेंटल प्रोसेस है यानी ये सीखा हुआ व्यवहार है सीखा हुआ व्यवहार है तो हम अगर हम श्रवण बाधित बच्चे की लिटरेसी स्किल की बात करेंगे तो हमें लिसनिंग स्किल डेवलप करना और ये जरूरी होगा लिसनिंग स्किल और आ, स्पीकिंग वाणी वाणी डेवलप करना तो सबसे मेन हमारा फोकस हम करेंगे लिसनिंग स्किल पे कि लिसनिंग स्किल के लिए क्या क्या करना है तो इसमें सबसे आ, हमारा जो एक श्रवण बाधित बच्चे के लिए जो मेन पार्ट है वो होगा एक रेगुलर रेगुलर यूज ऑफ हियरिंग एड रेगुलर यूज ऑफ हियरिंग एड और ऑडिट्री ट्रेनिंग ऑडिट्री ट्रेनिंग ये दो चीजें हैं रेगुलर यूज यानी बच्चा जहां पर भी हो रहा है वो एक हेयरिंग एड लगा के रखे जो हियरिंग एड यानी जो श्रवण यंत्र है दूसरा है ऑडिट्री ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेना जरूरी है अब आप कहेंगे, जैसे अगर हम बच्चे की बात करते हैं, बच्चे को जब आपने हेयरिंग एड दिया तो वहां से इसकी लिस्टनिंग चालू हो रही है अगर हम नॉर्मल बच्चे की बात करते हैं बच्चा जन्म से पैदा हुआ पैदा होने के बाद वातावरण की तमाम दुनिया भले ही वो उसमें रिएक्ट ना करता लेकिन वो तमाम ध्वनियों के प्रति अपना आ, वो जिसको कहते हैं दे राय एक्सप्रेशन और रिसेप्शन दो पार्ट होते हैं लैंग्वेज के यानी वो ग्रहण भी कर रहा है और अभिव्यक्ति भी कर रहा है तो वो एज वाइज है वो बाद में हम आपको डिक्टेट करेंगे यहां पे हम बात कर रहे थे रेगुलर यूज ऑफ हियरिंग एड तो ये है आपका अप्रोप्रिएट हियरिंग एड होना चाहिए अप्रोप्रिएट यानी अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ हियरिंग यानी वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ़ हियरिंग लॉस डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस इन सब पे डिपेंड करेगा उसके बाद ऑडिटरी ट्रेनिंग तो जो हम बात कर रहे थे ऑडिटरी ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है यानी अगर नॉर्मल बच्चा पैदा होते ही सीख रहा है क्योंकि ध्वनिया उसे आ रहा, आसानी से परसीव हो रही है लेकिन अगर श्रवण बाधित की बात करें तो श्रवण बाधित बच्चा जब आपने हियरिंग एड दिया तब वो ध्वनिया सुनना चालू किया यानी अगर उसका बर्थ एज जो भी हो लेकिन लिसनि उसका हियरिंग एज होगा जिस समय आपने संवर्ण यंत्र दिया उसको पढ़ने के लिए तो यहाँ पे उसको ऑडिटरी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है जिसमें हमारे स्टेजेज भी हैं अवेयरनेस ऑफ साउंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड ये सब कॉम्प्रिहेंशन ऑफ साउंड ये ऑडिटरी ट्रेनिंग क्या है वो अलग एक पार्ट है जब हम इस पर करेंगे बृहद है लेकिन मोस्टली अगर लिसनिंग को हम अगर डेवलप करना चाहते हैं एक संवर्ण बाधित बच्चे में तो ये कंडीशन रेगुलर यूज ऑफ हियरिंग एड और ऑडिटरी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और मोस्टली अगर हम भाषा और इसकी बात करते हैं खासकर तो उसमें ट्रिपल ई का एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रिपल ई जो आम नॉर्मल बच्चे के लिए भी जरूरी है हम इस यहां पे हम डेवलपमेंट की अगर बात कर रहे हैं लिटरेसी तो ये ट्रिपल ई क्या है ट्रिपल ई ए है environment, exposure, experience अब थोड़ा सा हम यहां से इसको डिक्टेट करना चाहेंगे ये ई में इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट क्या है वातावरण वातावरण होना बहुत जरूरी है जैसे अगर हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल बच्चे की आप लोग भी शायद कभी सुने होंगे एक आ, इंसान जो जंगल में पैदा हुआ था जिसको टॉर्जन के रूप में मानते हैं तो कहानियां पढ़ी होंगी पिक्चर भी देखे होंगे नाम सुना होगा टॉर्जन को क्या हुआ तो वो जानवरों की भाषा सीखा था क्यों सीखा था क्योंकि पैदा होते ही वो जंगल में था उसको वातावरण मिला नहीं कौन सा वातावरण ओरल इन्वायरमेंट की बात कर रहा है ये इन्वायरमेंट केवल ऐसा नहीं इन्वायरमेंट कोई भी होगा लैंग्वेज मिलेगा नहीं इन्वायरमेंट यानी क्या ओरल इन्वायरमेंट जरूरी है ओरल अगर मिलेगा मौखिक वातावरण अगर मिलेगा तो भाषाई विकास होगा जो लिटरेसी के लिए के लिए बहुत जरूरी है दूसरा है है? है क्योंकि हम कंपेयर करेंगे एक बच्चे की, की। हम एक्सपोजर देते हैं नॉर्मल बच्चों को कैसे देंगे छोटा बच्चा पैदा हुआ उसको शुरुआत में पैदा होने के बाद वातावरण की तमाम ध्वनिया उसके कानों तक पहुंच रही है और अगर हम श्रवण बाधित की बात कर रहे हैं उसको भी पहुंच रही है लेकिन कैसे पहुंच रही है, ये बाधित है। वो डिपेंड करता है है कि उसका लॉस कितना यानी उसकी जो रिजिड्यूअल हियरिंग रिजिड्यूअल हियरिंग बची हुई श्रवण क्षमता वो उसके अकॉर्डिंग सुन रहा है तो होता क्या है अगर उसको वातावरण की ध्वनियां नहीं सुनाई दे रही हैं तो एक्सपोजर का कोई कंडीशन नहीं हो पाता एक्सपोजर क्या मिलेगा? उसको मिल सकता है हम अगर छोटे बच्चे की, अब स्माइल करता है नो no डाउट ये एक्सपोजर है उसने आपकी भाषा समझा नहीं लैंग्वेज उसको मीनिंगफुल नहीं मिला आपने उससे क्या पूछा आपने एक्सपोजर दिया उसी टोन में सुप्रा सेगमेंटल रखते हुए क्या कर रहे हो बच्चा स्माइल किया बच्चा तीन चार महीने का है बाइबलिंग प्रोसेस उसको हो रहा है फीडबैक उसको मिल रहा है यानी आपने बोला कहो क्या कर रहा है बच्चा गूआ करता है आवाज आती है ये है एक्सपोजर यानी ये लैंग्वेज एक्सपोजर हम आप उसको दे रहे हैं वातावरण के साथ साथ तमाम भाषाओं को हम बच्चे को सिखाते हैं हम आपको लगता है ना कि आओ हम तुम्हें भाषा सिखाते हैं लेकिन ये एक्सपोजर की जो बात कर रहे हैं ये अक्सर एक माँ सबसे ज्यादा देती है और परिवार से अलग ये मिलना बहुत जरूरी है एक श्रवण बाधित बच्चे की अगर बात करें तो बच्चे को ये एक्सपोजर कहाँ मिल रहा है अगर हम लिसनिंग स्किल की बात कर रहे हैं यहां पे जो हमने बताया कि जो पिलर है हमारा रीडिंग राइटिंग के लिए लिसनिंग उसकी पूरी तरह से प्रभावित है लिसनिंग उसकी हो ही नहीं पा रही है एक्सपोजर मिल रहा है मां को भी नहीं पता है बच्चा हमारा इस तरीके से प्रभावित है लेकिन जो चीजें होना है हो रहा है तो अब आप कहेंगे कैसे प्रभावित हो रहा है डिक्टेट हो रहा है जैसे बैबलिंग क्या प्रोसेस है सिक्स टू एट मंथ में वैसे ही बच्चा चार से छह माह छह माह में जाता है बैबलिंग करने बच्चे बच्चे एक सामान्य बच्चा अगर आप देखेंगे तो आ, वो कब जब उसकी फीडिंग हुई है बच्चा पूरी तरह से खा पी के एकदम मस्त है तो लिटा दीजिए बच्चा जो, जो भी है बैबलिंग के रूप में जो उसको क्लस्टर ऑफ साउंड होते हैं क्विंग करता है जैसे शुरुआत में बच्चा क्विंग करता है तो उसमें क्या होता है वॉबे उसमें ज्यादा रहते हैं लेकिन जैसे बच्चे का फोर सिक्स सेवन पे जाने लगता है तो वहां पे कॉन्सोनेंट शब्द आने लगते हैं उसके अंदर तो बोलते रहता है क्यों बोल रहा है उसको फीडबैक मिलता है जो काइनेस्थेटिक फीडबैक बोला जाता है यानी जो आवाज उसके कान तक जा रही है उसको मिलता है और एक और उदाहरण जैसे बच्चे छोटे बच्चे हैं अब आप देखिए फीडबैक कैसे मिल रहा है हम माँ दूध पिलाती है दूध देने के समय जब उसके गले में दूध जाता है जब तक वो पीते पेट उसका नहीं भरता आराम से पीते रहता है पेट भर जाने के बाद क्या करता है वो आवाज निकल दूध को तुरंत उसमें गलारा मारने लगता है क्यों आता है ऐसा मजा उसको क्यों आ रहा है क्यों आ रहा है क्योंकि जब भी हम आप आप पा, अभी पानी भर के गलारा करिए तो आवाज आती है कान में भी ध्वनिया फैसती हैं और जो टैक्टाइल सेंस होता है टैक्टाइल सेंस यानी जो पानी का वाइब्रेशन हो रहा है सेंस ऑर्गन्स हमारे एक्टिवेट होते हैं वो उसका ऊपर नीचे का जो पानी की हलचल है मुंह में वो भी उसको कहीं ना कहीं फीडबैक दे रहा है अच्छा लगता है इसलिए किया उसके बाद वो क्या करता है कभी कभार पिचकारी मारता है दूध से ये भी वाइब्रेट होके जाता है हम आप कभी भी करें आपको सेंसेशन होगा ये टेक्सटाइल सेंस है बच्चा उसी में आनंद की अनुभूति करता है करता है अब श्रवण बाधित बच्चे की बात करें अगर श्रवण बाधित बच्चे की बात करें तो एक्सपोजर उसको नहीं मिल पा रहा जो बच्चा आपके बोलने से बोलता सोशल स्माइल देता था हंसता था ये बच्चा क्योंकि ध्वनि नहीं सुन पा रहा है नहीं कर रहा है अर्थ नहीं समझते ऐसे छोटे बच्चे जैसे नॉर्मल है जिनकी हियरिंग सही है उनके साथ आप अगर जा रहे हैं तो जैसे छोटा बच्चा है आप तीन चार माह का भी बच्चा है पांच माह का आपने सोशल स्माइल दिया क्या कर रहे हो हंस दिया उसके बाद चुप क्या कर रहे हो जैसे ही डांटोगे बच्चा रोना चालू करेगा आपके अर्थ को नहीं समझा लेकिन ये साउंड जो वेरिएशन है इसको बहुत अच्छे से वो लोग परसीव करना चालू करते हैं यही कहा ये पार्ट है भाषा का दो पार्ट जो मैंने कहा है लैंग्वेज का रिसेप्शन और एक्सप्रेशन ये दोनों हम दिखाना चाहेंगे रिसेप्शन और एक्सप्रेशन रिसेप्शन क्या है रिसेप्शन है जो चीजें हम ग्रहण कर रहे हैं यानी एक्सपोजर के माध्यम से वातावरण दे रहे हैं यहां पे है वातावरण कौन सा मौखिक वातावरण तो ये मौखिक वातावरण में जो भी चीजें वो सीख रहा है वो क्या कर रहा है रिसेप्शन का पार्ट है और जो वो अभिव्यक्त कर रहा है जैसे आपने बोला वो उसको सुनाई दिया क्या कर रहे हो और बच्चे ने अगर गू गां करके एक्सप्रेशन दिया तो वो उसकी अभिव्यक्ति हुई एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में जाएगा तो ये हमारा रीडिंग जो है वो रिसेप्शन में इन्वॉल्व है और राइटिंग जो है एक्सप्रेशन का पार्ट है ये रीडिंग रिसेप्टिव लैंग्वेज में अभिव्यक्ति जो होती है राइटिंग वो हमारा एक्सप्रेसिव पार्ट है क्यों अगर आप अगर सामान्य तौर पे अगर देखा जाए हम आप कहेंगे कि ऐसा क्यों तो हमें जब भी चीज़ें कुछ अगर पढ़ना हो तो हम कुछ भी पढ़ लेते हैं जिसको हम यहाँ पे मैंने बोला हो रिसेप्शन में यानी पढ़ के हम ग्रहण कर रहे हैं लेकिन अभिव्यक्ति जैसे हम राइटिंग में कह दें राइटिंग में लिख के दो तो अभिव्यक्ति हमारी कम होती है तो इस हिसाब से रिसेप्टिव लैंग्वेज ज्यादा होता है किसी भी आदमी का और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कम होता है अकॉर्डिंग टू इसकी अगर हम बात कर रहे हैं अब हमारा यहां पे इन्वामेंट की बात कर रहे थे जो हम छोड़े इन्वायरमेंट एक्सपोजर की बात किया जो वाकई जरूरी है और क्या है एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है अनुभव ये जरूरी है क्यों अगर शुरुआत में देखे किसी लिसनिंग की हम बात कर रहे हैं बच्चा अगर एक बार बेल की घंटी जो बजती है घंटी बजी क्र आवाज़ आई बच्चा अगर बैठा है तो क्या करेगा लेटा है अगर या छोटा बच्चा है छः सात महीने का वो बैठ के कहीं पे कुछ खेल रहा है आवाज़ बची पहली बार अगर बजी होगी तो शायद उसने कोई रिएक्ट ना दिया हो लेकिन इतना देता है वो रिएक्ट क्या करता है कि सोर्सेस ऑफ साउंड जिधर से है जिधर से ध्वनि आई उधर की तरफ वो अपना सर करे। ये रिएक्शन है कौन सुनने वाले बच्चे के पास हम उसकी बात कर रहे थे एक्सप्रेशन एक्सपीरियंस क्या है एक्सपीरियंस को समझा रहे हैं अब अगर बच्चा कंडीशन ये है कि चार बजे तक अगर उसके पापा आ रहे हैं तब अगर वेल की घंटी से वो कंडीशन हो जाता है जैसे ही चार की घंटी बजेगी तब बच्चे की ध्वनि में क्या चीज जुड़ रहा है एक्सपीरियंस क्या कि चार बजे पापा आएंगे उसके लिए कुछ लाते होंगे टॉफी लाते होंगे कुछ भी लाते होंगे तो वो एक अलग भाव से स्माइल के साथ उधर देखेगा घंटी बज गई पापा आ गए ये एक्सपीरियंस है यानी कोई भी ध्वनि एक बार उसके पहली बार कान में सुनाई देता है लेकिन बाद में बार बार होने के बाद वो उसके अनुभव में आ जाता है इसीलिए बोलता हूं ना कि ये जो बोला था मैंने लिसनिंग और हियरिंग जो चीजें पहले हियरिंग रही होगी लिसनिंग में आई तो वो एक सीखा हुआ व्यवहार हुआ अनुभव में उसके चला जाता है बाद में ऐसी भाषाएं जब उसके सामने यूज होती हैं तो वो उस पर रिएक्ट करता है तो लैंग्वेज कह लें जो उसका पिलर है लिटरेसी स्किल के पिलर है तो वहां पर यह ट्रिपल ई बहुत ज्यादा काम करता है अब हम हियरिंग एम्पेयर की अगर बात करें

स्पीकिंग उसकी प्रभावित हुई उसके बाद अगर उसकी स्पीच और लैंग्वेज प्रभावित हुआ हियरिंग से और स्पीच और लैंग्वेज उसकी लिटरेसी स्किल को प्रभावित किया रीडिंग और राइटिंग की तो हम अगर श्रवण बाधित बच्चे के लिए लिटरेसी स्किल को डेवलप करना है तो हमें सबसे पहले फोकस करना होगा उसके लिसनिंग पे और स्पीकिंग पे जो इसके पिलर हैं अब अगर हम ओरल uh, इन्वायरमेंट uh, की बात करें जैसे अभी लिसनिंग स्किल की बात कर रहे थे अगर हम ओरल स्किल की बात करें uh, तो कैसे डेवलप करेंगे उसके लिए भी हमें uh, जरूरत होती है जो ऑडिटरी ट्रेनिंग ये हमारा जो पार्ट है ऑडिटरी ट्रेनिंग का ये ओरल स्किल को डेवलप करने के लिए सबसे उपयोगी होता है ओके okay, हम ओरल uh, स्किल की बात कर रहे थे कि ओरल स्किल को हम कैसे डेवलप करेंगे तो ओरल स्किल को डेवलप करने के लिए हमें ऑडिटरी ट्रेनिंग के जो uh, हमने बताया था इस पार्ट को ज्यादा समझना होगा इसके चार चरण फोर स्टेजेस हैं फोर स्टेजेस फोर स्टेजेस पे हमारा काम करता है फोर स्टेजेस में पहला अवेयरनेस ऑफ साउंड दूसरा डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड तीसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड चौथा कंप्रीहेंशन ऑफ साउंड ये जो चार स्टेजेस हमारे हैं अवेयरनेस ऑफ साउंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड एंड कंप्रिहेंशन ऑफ साउंड इन चार साउंड पे अगर हम ध्यान दें मेनली शुरुआत में बच्चे को हम जब हम जब अवेयर करते हैं तो ध्वनि है या नहीं है इसके लिए हम अवेयर करते हैं जैसे कोई ताली बजाया हम बच्चे को आगे बिठा दिए बच्चे हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट है हम उसको ओरल स्किल को डेवलप कर रहे हैं यानी सुनेगा सुन के उसको रिएक्शन देना है तो ऑडिटरी ट्रेनिंग में हम अवेयरनेस ऑफ साउंड पे अगर हम करेंगे यहाँ पे अगर हम उसको अवेयर कर रहे हैं तो बच्चे को हम एक फिट या दो फिट जो निश्चित दूरी है रखने के बाद हम पीछे से ये भी कर सकते हैं या कोई भी सोर्सेस ऑफ साउंड हो हम ध्वनि दिए ध्वनि देने पे हम उसको कंडीशन किए हुए हैं कि जब बच्चे को सुनाई दे तो वो अंगुली उठा दे ये यह यहाँ पे केवल यही देखना है अवेयरनेस ऑफ साउंड दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड जब हम इस स्टेज पे बच्चे को यहाँ पे हमने क्या सिखाया बच्चे को ध्वनि है या नहीं है बस क्यों इतना दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड पे हमने इसको सिखाया कि बच्चे के साथ में हम दो ध्वनियों को दिए जैसे हमने एक ऐसे भी कर लिया और एक यह ध्वनि भी दिया पीछे से आवाज आई यह दूसरी ध्वनि थी बच्चे को ये डिस्क्रिमिनेट करना है कि दोनों ध्वनिया अलग अलग थी अब आप कहेंगे कैसे अब उसको कंडीशनिंग करना है तो हम उसको बता देंगे कि अगर हम ऐसे करेंगे तो आप राइट हैंड उठाना और ये आवाज आएगी तो आप बाया हाथ उठाना तो इस तरीके से हम उसको कंडीशन करते हैं कि ध्वनियों पे वो थोड़ा सा करे कि दो ध्वनिया है और दोनों की अलग अलग ध्वनिया करने के बाद जब मैं ये बजाऊं तो ये बाया हाथ उठाए जब मैं ताली बजाऊं तो वो दाहिना हाथ उठाए ऐसे ही कंडीशन बहुत सारी हो सकती है कभी घंटी बजा के विसिल बजा के इस तरीके से हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं बच्चों को बताना है कि वो ध्वनिया अलग अलग थी या नहीं तीसरा है आइडेंटिफिकेशन यहाँ से थोड़ा सा हमारा बढ़ता है दायरा उसको समझने का आइडेंटिफिकेशन यानी पहचानना है ध्वनि कौन सी है अब जैसे अगर हम इस तरीके से बताएं तो यहाँ पे हम शब्दों को ले लेते हैं हम बच्चे को बोलेंगे राम और उससे मिलता जुलता अगर हम बोल दें आम राम बोलने पे उसको दाहिना उठाना है आम बोलने पे दूसरा उठाना है हम कुछ और भी चीजें कर सकते हैं उसको बहुत सारे लिखे हुए वर्ड के नेम प्लेट ऐसे रख दें जिसको वर्ड का शब्द कार्ड कहते हैं तो शब्द कार्डों को हम सामने दे दिए हम उस शब्द का उच्चारण हम पीछे से बैठ के करें बच्चे को सेम कार्ड उठाना है यहां तो ये पी ये क्या आइडेंटिफिकेशन साउंड यानी शब्द को वो सुना सुनने के बाद उसने उस चीज को देखा हम ओरल स्किल को डेवलप करने के लिए ऑडिटे ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं ये स्टार्ट हो जाता है जैसे ही बच्चा हियरिंग एड फिट करता है उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन ऑफ साउंड होता है ये थोड़ा सा टिपिकल है इस स्टेज पे बच्चा की बहुत सारी चीज़ें चाहे वो उसकी डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस नेचर ऑफ़ हयरिंग लॉस और उसका आईक्यू लेवल कितना है इन सब पे डिपेंड करता है उसको एक्सपोजर कैसा मिल रहा है ये तमाम चीज़ें कॉम्प्रिहेंशन ऑफ साउंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ साउंड यानी ध्वनियों की समझ इसके बाद बच्चा कम्युनिकेशन करना सीखता है ये चीजें निर्धारित होती हैं और मोस्टली अगर हम बात करें हियरिंग इंपेयर्ड बच्चे की तो उसके लिए अभी हम जो त्रिपाल की बात कर रहे थे वातावरण ये सब ये चीजें ज्यादा प्रभावित करेंगी जब हम ऑडिट्री ट्रेनिंग कर लें इन सब चरणों की ट्रेनिंग होने के बाद बच्चे के लिए वातावरण का जब हम बात करते हैं तो उसके तीन सिंपल फैक्टर हम आपको समझाएं एक तो बच्चा बच्चे का रेडीनेस होना बहुत जरूरी है रेडीनेस आप कहेंगे किसी चीज को सीखने के लिए खुद की तत्परता कितनी है ये बहुत ज्यादा मायने रखती है रेडीनेस स्टूडेंट का रेडीनेस होना बहुत जरूरी है तैयार होना दूसरा है वातावरण ओरल वातावरण होना चाहिए अगर हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं वातावरण ओरल इन्वायरमेंट यानी मौखिक वातावरण देना है कहाँ पे घर पे और स्कूल में दोनों चीजें वातावरण क्योंकि बच्चा कुछ दिन तक तो मेनली उसका ये वातावरण घर पे बहुत जरूरी है प्राय उन श्रवण बाधित बच्चों के पेरेंट्स के लिए ज़्यादा ये सजग होने की जरूरत है वो अवेयर रहें कि हम बच्चे को उसकी जेस्चर साइन लैंग्वेज नहीं हम इसलिए साइन लैंग्वेज नहीं कर सकते क्योंकि साइन लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जैसे हमारे हिंदी इंग्लिश संस्कृत ये सब भाषा है वैसे ही हमारा सांकेतिक भाषा है वो एक कंप्लीट लैंग्वेज है हम करते क्या है गलतियां उसके साथ हम जेस्चर देते हैं पानी पीना है तो ऐसे कर लेंगे भूख लगी है खाना खाना है ये क्या है एक प्रकार से जेस्चर है हाव भाव जी हाव भाव और खासकर जब श्रवण बाधित बच्चे के साथ ऐसे ही होता है तो वो कंडीशन नहीं हो पाते हमें क्या देना है ओरल वातावरण देना है मौखिक वातावरण देना है जो प्राय बच्चों के लिए बहुत जरूरी है तो हमने बताया वातावरण कौन सा स्कूल में भी और घर पे भी और स्कूल में भी स्कूल की एक अवधि होती है बच्चे क्या सेशन चल रहा है जैसे आप स्पीच थेरेपी करा रहे हो या ऑडिटरी ट्रेनिंग करा रहे हो जहाँ पे समझ आए वो तो एक सेशन है दो घंटे का तीन घंटे का लेकिन ज्यादातर समय बच्चा कहाँ भी जाता है घर पे यहां पे उसको ज्यादा सजग होने की जरूरत है पेरेंट्स की उसके जो पियर्स हैं यानी जो हमजोली है उसके साथ उनको ये बताना चाहिए हमेशा ये अवेयर होना चाहिए कि हम जब भी से, से बात करें तो हम बोल के ही बात करें हो सकता है डिफिकल्टी हो शुरुआत में लेकिन वो चीजों को समझेगा और खुद भी अपने व्यवहार में लाएगा मौखिक भाषाओं का उच्चारण करना सीखेगा भाषाओं को समझेगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी यही होती है हम आप अगर अवेयर हो तो हम इनमें कुछ एक बेहतर प्रयास कर सकते हैं अगर हमारे पास ये चीजें मालूम रहे कि हमें जब भी बोलना है हम बोल के करेंगे ठीक है हो सकता है टोटल कम्युनिकेशन की एक फिलोसफी है जैसे हम अगर इनके बात कर लेते हैं कि ओरलिज्म होता है टोटल कम्युनिकेशन होता है फिर बायोलिंग होता है तो एजुकेशनल तो मोस्टली हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की उन्हीं की कम्युनिटी की है लेकिन अगर ओरलिज्म की बात करते हैं तो ओरलिज्म हमें कहता है कि वहां पर जो कंडीशन है यूनिशेंसरी का है क्योंकि वो केवल ही केवल सुनने पे डिपेंड कर रहा है लेकिन टोटल कम्युनिकेशन कहता है हम बोलेंगे भी सुनने पे भी जोर देते हैं और एक्सपोजर भी देते हैं कैसा सुनने का भी और देखना विजुअल उनका एक हो जाता है कि हम करके भी दिखाते हैं यानी साइन भी कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं हम अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जेसर दे सकते हैं और बोल सकते हैं ये हमारा कंडीशन हो सकता है लेकिन मेनली हमारा काम करेगा इसी पे अगर बच्चा ध्वनियों से अवेयर हो गया है तो हम उसको अलग करना सिखाएंगे कि ध्वनि को पहचानो पहचानने के बाद वो पाच... अलग करेगा डिस्क्रिमिनेट करेगा आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ ये ध्वनिया ये थी ये ध्वनिया ये थी फिर कॉम्प्रिहेंशन अपने से समझ में आएगा बच्चा व्यवहार में लाएगा ये सब चीजें तो आज का लेक्चर में जो हमने अभी आपको बताया वो हम एक सवर्ण बाधित बच्चे में अगर हमें लिटरेसी स्किल को डेवलप करना है तो किन किन चीजों पे हमें ध्यान रखना है कहाँ पे ज्यादा जोर देना है हम तभी हम जो पिलर हैं लिटरेसी स्किल के रीडिंग और राइटिंग तब हम जाके उनमें बेहतर सुधार कर पाएंगे साक्षरता संता को विकसित कर पाएंगे नहीं तो अगर हियरिंग और लिसनिंग इनकी गड़बड़ रही तो स्पीच एंड लैंग्वेज की बात हम इनके लिए कर पाना इनके लिए सहज नहीं होगा इनका विकास हो पाना सहज नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा रीडिंग स्किल जो हमने चार बताए हैं आपको हियरिंग स्पीकिंग और रीडिंग एंड राइटिंग का तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा राइटिंग रीडिंग स्किल की बात करेंगे ओके थैंक यू